अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं होममेड एक्वापोनिक सिस्टम। इस सिस्टम को हम स्टेप वाइज स्टेप जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस सिस्टम को लो कॉस्ट रखें ताकि आप इसको रेप्लिकेट कर सकें। इस प्रोसेस में हमारा जो मकसद है इस सिस्टम को बनाने का, वो ये है कि हम इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, जैसा कि कराची के वेदर और कराची की क्लाइमेटीज में ये किस तरह से परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फिशेज और डिफरेंट वेजिटेबल्स में। अगर आप एक्वापोनिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो एक्वापोनिक्स के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो हमारी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, जिसमें हमने शेयर किया था कि एक्वापोनिक्स क्या होता है, एक्वापोनिक्स के क्या क्या फ़वाद हैं, और हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स के बारे में ये कंपेरिजन देखा था कि क्या क्या कंपेरिजन है मुख्तलिफ टेक्निक्स, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उसके अंदर। एक्वापोनिक्स सिस्टम के अंदर दो बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है फिश टैंक, जहाँ पर फिशेज होती हैं, और दूसरा हिस्सा होता है ग्रोइंग एरिया, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इसमें होता यह है कि फिशेज जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका, वो अमोनिया की शक्ल में पंप भेज देता है ग्रोइंग बेड में। ग्रोइंग एरिया में जाते हुए जो इसका अमोनिया होता है वो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स के अंदर। तो वो नाइट्रेट्स एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो फ्रेश वाटर होता है वो ग्रेविटी की मदद से दोबारा आ जाता है फिश टैंक के अंदर। तो इस पूरे साइकिल को बेसिकली हम एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक सिस्टम को बनाने के लिए डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। हमने जो डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन में फिश टैंक, स्वैम टैंक और ग्रोइंग एरिया, ये तीन बुनियादी हिस्से होंगे। फिश टैंक और स्वैम टैंक हमने बनाया है ड्रम से, और जो ग्रोइंग एरिया है वो हमने पीवीसी पाइप की मदद से बनाया है। ये सिस्टम स्टार्ट होगा फिश टैंक से। फिश टैंक में फिशेज होंगी, जिनका वेस्ट जो मटेरियल होगा वो आएगा स्वैम टैंक में। स्वैम टैंक में बैक्टीरियल ग्रोथ होगी जो अमोनिया को तब्दील करेंगे नाइट्राइट्स के अंदर, और वो पंप भेज देगा उसको ग्रोइंग एरिया के अंदर। ग्रोइंग एरिया में हमने ये चार पीवीसी के पाइप्स लगाए हैं। इन पाइप्स के अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स हम लगाएंगे, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स होंगे। ये पूरा जो वाटर होगा वो यहाँ से होता हुआ जो इसके अंदर नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो फ्रेश वाटर होगा वो वापसी ग्रेविटी की मदद से यहाँ पर आ जाएगा फिश टैंक के अंदर वापस। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं, और इसके लिए जो भी मटेरियल हमें चाहिए होगा वो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसको स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक पीवीसी पाइप ले लिया है। इस पीवीसी पाइप को हम चार बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और लकड़ी की मदद से इसका पूरा फ्रेम मुकम्मल कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। फिफ्टी एट इंच के हिसाब से इसका एक हिस्सा बनेगा। मीटर सॉ की मदद से हमने इसको चार बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 58 इंचेस है। अब मज़ीद हम वुड की और इनकी कैप्स की मदद से इसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चर की सपोर्ट हम वुड की मदद से देंगे साइड्स पे। तो इसके एक हिस्सा जो होगा वो तकरीबन 6 फुट 6 इंच का हम इसको काट लेते हैं बराबर। तो अब हम ये दो वुडन पीस काट चुके हैं, दो वुडन पीस ले चुके हैं जो कि 6.5 फुट के हैं। इस वुडन पीस में हमने एक एक फुट के हिसाब से गैप रखना है पाइप के लिए। तो इसको लगाने के लिए हमने ये कैप्स लिए हैं जिसकी मदद से हम इसमें लगाएंगे। इसमें पाइप का फ्लो, इसमें पानी का फ्लो चलता रहे, इसके लिए हमने इसमें स्लोप बनाना है। इसमें स्लोप बनाने के लिए हमने हर जो मेजरमेंट ली हुई है उस मेजरमेंट में 1 इंच का फ़र्क रखना है, ताकि वो 1 इंच का स्लोप बन जाए और ग्रेविटी की मदद से पानी का जो फ्लो है वो अच्छा चलता रहे। तो इसमें पाइप लगाने के लिए हमने कैप की मदद लेनी है। कैप का सेंटर निकालने के लिए हमने ये टूल बनाया है। इस टूल का बनाने का जो तरीका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये टूल बनता है। इसमें तरीका ये होता है कि इसको रखें हम इस तरह से और इसमें मार्किंग कर लेते हैं।
तो ये टूल के हिसाब से हमने इसका सेंटर निकाल लिया। तो एक कट स्क्रू हम लगाएंगे इसके सेंटर पे और एक स्क्रू हम इससे एक इंच ऊपर लगाएंगे। मैं इस पीवीसी पाइप के अंदर सुराख करूंगा ड्रिल मशीन की मदद से इसके सेंटर में और उसपे एक 1 इंच डिस्टेंस ऊपर। अब हम इसमें होल्स कर चुके हैं, एक हमने सेंटर पॉइंट पे करा है और एक उससे एक इंच ऊपर। तो अब हमने यहाँ पे मार्किंग भी कर ली है और इसमें होल्स भी कर चुके हैं। कट स्क्रू की मदद से हम इसको यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा मार्क के ऊपर, एक उस पर कट स्क्रू लगेगा और एक कट स्क्रू बिल उसके ऊपर लगेगा। तो ये हमने दोनों पिलर तैयार कर लिए, पिलर ए और पिलर बी। तो इसको जब मैं इसके साथ रखूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें लेट कंसीडर के पिलर ए एंड पिलर बी। तो पिलर ए का इसमें ये कैप ऊपर है और पिलर बी का नीचे इस पाइप के लिए। इसी तरह से इसमें इसका पाइप के लिए कैप ऊपर है और ये नीचे है, यहाँ पर ये ऊपर है और ये नीचे है। तो इस तरह से इसका जो स्लोप बनेगा वो यूँ बनेगा, इस तरफ आएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा और इसी तरह से ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ से इसको इनलेट आउटलेट की तरफ जाएगा। तो ये इसका हमने स्लोप तैयार किया है। अब इस पर हम पाइप लगाते हैं और पाइप लगाकर हम देखते हैं कि स्लोप कैसा नज़र आ रहा है। तो ये पाइप जो हमने काट लिया था वो पाइप लिया है हमने। अब इसमें हमने नेट कप लगाने के लिए इसमें होल्स करने, इस होल्स की मदद से हमने 6 इंच के फासले से, यानी कि यहाँ से हमने 6 इंच छोड़ना है और उसके बाद पहला नेट कप लगेगा। तो इसी तरह से फिर 6-6 इंच के फासले से हमने नेट कप लगाने। इस पूरे पाइप में टोटल 8 नेट कप्स लगेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं और फिर इसको हम होल कर लेते हैं। तो अब हम पीवीसी पाइप्स पे मार्किंग कर चुके हैं और इन पे होल करने जा रहे हैं। अब हम चारों पीवीसी पाइप्स पे होल कर चुके हैं जो कि प्लांट्स के लिए हैं। अब मजीद इसमें हमने ये करना है कि इसके वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट के लिए हमने इसमें 1/2 इंच पीवीसी पाइप के लिए होल करेंगे। तो जो इनलेट का होल होगा वो होगा अपर साइड पे और जो आउटलेट का होल होगा वो होगा डाउन साइड पे। तो अब हम इस पर होल करते हैं। अब हम वुड पे ये कैप्स लगा चुके हैं, दोनों वुड्स पे हम इस तरह से ये कैप लगा चुके हैं गैप के हिसाब से। और जो पाइप्स है उन पाइप्स पे प्लांट्स के लिए भी होल कर चुके हैं और जो इनका इनलेट और आउटलेट है वो भी हम होल कर चुके हैं। तो अब इन पाइप्स को हम इस पे फिक्स करना शुरू करेंगे। इनको फिक्स करते हुए हमने इस बात का ख्याल करना है कि जो ये प्लांट्स के लिए होल किए हुए हैं ये बिल्कुल ऊपर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी साइड में हुए तो ये पानी भी इसमें से निकल सकता है और प्लांट्स के गिरने का भी खतरा होगा। तो अब हम ये करेंगे कि एक साइड पे हम इनको तमाम पाइप्स को इन पर हम फिक्स कर लेंगे एक साइड पर, और इसको इस पर फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम दूसरी साइड लगा देंगे।
अब ये इसका जो प्लांट्स वाली साइड है वो रेडी हो चुकी है। इसमें सिर्फ इनलेट और आउटलेट के जो पाइप्स हैं वो लगना बाकी रह गए हैं और बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें स्लोप भी बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं। हमने यहाँ से इसका इनलेट रखा था जो टॉप इनलेट है, उसके बाद ये स्लोप उस तरफ गया है पिलर टू की तरफ और पिलर टू से स्लोप है पिलर वन की तरफ। इसी तरह से ये स्लोप बनते हुए यहाँ इसके आउटलेट तक आया है। अब ये इनलेट और आउटलेट के लिए पाइप हम लगा चुके हैं, इसको ऊपर हम ग्लू लगा देंगे ताकि इसकी लीकेज वगैरह बिल्कुल भी ना हो। अब हम इसमें ये एल्फी और रेत के साथ मिलाकर इसका ये बॉन्ड बनाएंगे, इसकी सील बनाएंगे। ये एल्फी और सैंड के साथ जो सील बनती है वो बहुत ही मजबूत होती है और मार्केट में अवेलेबल किसी भी सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसका तरीका ये है कि इसके ऊपर हमने पहले ग्लू लगाया और उसके ऊपर अब हम ये रेत डालते जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें ग्लू भी लगाते जाएंगे। अब हम तैयार करेंगे फिश टैंक, और फिश टैंक के लिए हमने ये 60 लीटर ड्रम लिया है। इस ड्रम के हमने टॉप पर 9x18 इंचेस के हिसाब से ये निशान लगा लिया है। इसको काटने के बाद हम इस पर कब्जे लगा देंगे ताकि ये इसका गेट बन जाए और इसको हम यूज़ कर सकें। अभी हम इसका टॉप काट चुके हैं और इसके बाद हम यहाँ पे दोनों कब्जे लगा देंगे ताकि इसको इस तरह से गेट के तौर पे यूज़ कर सकें। तो फाइनली अब हमारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया है। इस स्ट्रक्चर में हमने तमाम पाइप जो है वो फिट कर दिए हैं, इनका इनलेट आउटलेट इनके होल्स वगैरह तमाम हो चुके हैं और स्ट्रक्चर कम्प्लीट है। फिश टैंक बन चुका है, इसका जो ये बैक्टीरियल चैम्बर है ये बन चुका है। तो अब हमने ये करना है कि इसमें फिशेज डालेंगे और इसमें रेत वगैरह डाल के इसका वेटलैंड बनाएंगे ताकि इसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो हो सके। इसकी मज़ीद अपडेट के लिए पाकिस्तान साइंस क्लब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो दूसरी हमारी मुख्तलिफ रिसर्च हैं जैसे कि ग्रीन हाउस और एक्वापोनिक्स की मज़ीद जो रिसर्च होती रहेंगी उसके लिए पाकएससी.org/gogreen पर विज़िट कर सकते हैं।